सच में यार, फैंडम हो तो ऐसा हो, वरना फैंडम ना हो। क्योंकि ज्यादातर फैन सोशल मीडिया पे अपने स्टार को लेके लड़ते हैं। कोई सकारात्मक काम नहीं शुरू होता है, ना ही किसी तरीके का इनिशिएटिव होता है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है। वक्त दर वक्त हमने देखा है कि कैसे अगर असम में बाढ़ आई थी तो काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स के फैंडम जो है वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने धनराशि इकट्ठा करी थी। बट लेकिन गर्मियों में अगर राहत दिलाएं ये फैंडम, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आइए आपको पूरा मुद्दा समझाता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार, होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, राहुल भोज 15। रामचरण साहब, जो कि RRR की सक्सेस के बाद एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। रामचरण जी की अगर बात करें तो उनके फैंडम में लोग आज के दिन एकत्रित हुए हैं। आपको बता दूं तो मुंबई, महाराष्ट्र, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। नॉर्थ के तो उत्तराखंड में तो ठीक ठाक माहौल है, बातचीत होती है घर वालों से। लेकिन हाँ, अगर बात करें दिल्ली विल्ली, वहां पे भी नॉर्मल सा टेम्परेचर है, बढ़ रहा है। बट दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरीके का तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में करे तो करे क्या। अब रामचरण जी के फैंस 1000 से ज्यादा आज के दिन एकत्रित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं तो शिव टेम्पल जुहू भिवंडी शोलापुर, यहां पर टेम्पल्स के पास इन लोगों ने एक स्टॉल लगा दी है, जहां पे ये लोग छाछ जो है बेच रहे हैं, इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉट बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। गर्मी में जहां पर जो श्रद्धालु है वो आए मंदिर में, वहां पे उस तरीके से वो अपना पूजा अर्चना करे, फिर उसके बाद जाके जब वो नीचे आए तब उसे इतना बड़ा एक राहत, एक कूलनेस मिले, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है भाई। तो दोस्तों, रामचरण जी के फैंस ने ये इनिशिएटिव किया है। रामचरण जी के फैंस चारों तरफ छाए हुए हैं। और जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था सोशल मीडिया, तब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने कहा यार इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एंड दिस थिंग इज गोइंग इनसेन, सोशल मीडिया पे ये बवाल मचा रहा है कि भाई वाह यार, ये देखो, मतलब एक्चुअल में आप तो साउथ के क्या नॉर्थ के ऐसे कोई स्टार रहे नहीं, वो ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। क्योंकि उनकी फिल्म RRR को ऑस्कर मिल गया, और साथ ही साथ उनकी फिल्म RRR को इंटरनेशनल ऑडियंस ने, ग्लोबल ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सो रामचरण फैंस, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, बो डाउन फॉर यू। मैं यही कहना चाहूंगा, कीप ऑन डूइंग दिस गुड वर्क। और इससे और फैंडम्स को भी आगे आना चाहिए। बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स के जो फैंडम हैं, उनको आगे आना चाहिए, और उनको भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स करने चाहिए, ये मुझे लगता है। इनिशिएटिव से याद आया, अगर आप लोगों ने टेली खजाना को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक राहुल भोज कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने, फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए नए चैनल को, जहां पे आपको ढेर सारा मजेदार कंटेंट मिलेगा। चलता हूं, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें।